ट्वेल्थ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए से। इस यात्रियों के नजरिए मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि यात्रा लोग करेंगे, ठीक है, किसी को जबरन कोई रजा लेकर आएगा अपने एरिया में, कोई खुद से आएगा घूमने के लिए, और उसके तरह वृत्तांत लिखेंगे, ठीक है। जैसे अल्बर्टनी भी एक वृत्तांत लिखी है किताब उल हिंद, ठीक है। इसी प्रकार इब्न बतूता भी किताब लिखे, रिहाला नाम का एक किताब लिखे इब्न बतूता। और अल्बर्टनी जो थे वो ख्वारिज्म के रहने वाले थे। फिर जो इब्न बतूता आपको बताई जाएगी कि वो बताया जाएगा कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो मोरक्को के रहने वाले थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्टनी, इसके अलावा फ्रांसवा ऑरलियन के बारे में जानेंगे। तीन लोगों के बारे में जानेंगे, अल्बर्टनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा ऑरलियन। सबसे पहला जानेंगे अल्बर्टनी। अल्बर्टनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। अब ख्वारिज्म वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो टिक अप लगाएंगे। अल्बर्टनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज्म या उज्बेकिस्तान में। फिर है क्या ख्वारिज्म क्या है, तो ख्वारिज्म जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल्बर्टनी जो है क्या शिक्षा का, अल्बर्टनी जिस जगह रहता था वह शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन था, तो ख्वारिज्म। या ख्वारिज्म क्या था, तो ऑप्शन आपके रहेंगे शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अब यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्बर्टनी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, बहुत ही कम उम्र में ही कई भाषाओं का ये ज्ञाता हो गया था। कई भाषाओं को जानते थे, जैसे सीरियाई भाषा जानते थे, फारसी भाषा जानते थे, हिब्रू भाषा जानते थे, और फिर ये जब भारत में आए तो इन्होंने ब्राह्मणों के साथ रहकर संस्कृत भाषा भी सीखी। लेकिन यह यूनानी भाषा नहीं जानते थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल्बर्टनी किस भाषा को नहीं जानता था, तो यूनानी भाषा को नहीं जानता था। फिर भी प्लेटो कौन थे, तो मतलब यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। तो इस यूनानी दार्शनिक से परिचित था। अब ये कैसे परिचित हुए, तो इन्होंने क्या किया कि जो यूनानी मतलब शब्द होता है उसको फारसी के माध्यम से पढ़ा था। फारसी के माध्यम से क्या कहता जी, पढ़ा था, ठीक है। यूनानी भाषा को क्या कहता, फारसी के माध्यम से पढ़ा था, और प्लेटो के बारे में जाना था, परिचित था, मतलब उसके बारे में जाने थे प्लेटो कौन थे। अब आगे देखिए, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर क्या होता है, अटैक होता है। 1017 ईस्वी में क्या था जी, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर क्या होता है, अटैक होता है। कौन अटैक करते हैं, तो सुल्तान मोहम्मद गजनवी। पूरा नाम क्या है? सुल्तान मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं सुल्तान मोहम्मद गजनवी, एमजी आप लिख सकते हैं, एमजी, एमजी मतलब मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ये क्या करते हैं कि ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं जी, ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद यहाँ से कई विद्वानों और कई कवियों को अपने साथ गजनी लेकर आते हैं। अपनी राजधानी कहाँ लेकर आते हैं, गजनी लेकर आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं जी, गजनी लेकर आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जब मतलब गजनी लेकर आते हैं, उसके बाद फिर सारे विद्वानों को अपने मतलब दरबार में रखते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अल्बर्टनी को भारत कौन लेकर आया, तो मोहम्मद गजनवी। कौन लेकर जी, मोहम्मद गजनवी। कहाँ पर आक्रमण करके लाया, तो ख्वारिज्म पर। कहाँ जी, ख्वारिज्म पर आक्रमण करके लाया। कब आक्रमण किया ख्वारिज्म पर, 1017 में किया, ठीक है। फिर यह ब्राह्मण, अब यहाँ पर जब आ गए भाई साहब, तो ये सारा एक जगह लोग रहते थे, मतलब बंद करके रखा था, ठीक है ना। इनको आक्रमण करके लाया है तो वो क्या करेगा, बंद करके रखा। तो मतलब बहुत सारे महान कवि थे, उसी महान कवियों में से एक अल्बर्टनी भी एक था, ठीक है ना, स्पेशल बात है। तो देखिए, ये ब्राह्मणों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। क्या जी, कई वर्ष बिताए, मतलब आप समझ लीजिए ना कि पूरे जिंदगी के 70 सालों में लगभग, ठीक है, इसने ज्यादातर भारत में ही बिताया, और भारत इसको पसंद भी आने लगा था, ठीक है ना, बहुत अच्छा आने लगा था, इसलिए भारत बताया। तो ये ब्राह्मण तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, और पंजाब प्रांत जानते हैं ना, पंजाब और उत्तर भारत में यात्रा किए। ये कहाँ कहाँ यात्रा किए, पंजाब और उत्तर भारत में। पूछा जाएगा कि अल्बर्टनी भारत में कहाँ यात्रा किए, तो पंजाब और उत्तर भारत में यात्रा किए। और अपनी अपनी जो है यात्रा वृत्तांत अपनी साहित्य पर, अपने साहित्य में क्या जी लिखा, साहित्य में बताया कि हम कहाँ कहाँ तक लिखे हुए, ये कहाँ कहाँ संबंधित है। तो पश्चिम में सुना जी आपको, पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर, कहाँ से लेकर जी, सहारा रेगिस्तान से लेकर वोल्गा नदी तक, कहाँ भाई, उत्तर में वोल्गा नदी तक क्षेत्रों के संबंधित था।
तो इसने वृत्तांत लिखा, जो अपने किताबें लिखी, ठीक है ना, वृत्तांत क्या लिखी, किताबें लिखी, वो कहां से संबंध रखता था, तो सहारा रेगिस्तान से लेकर बेलगा नदी तक, कहां था जी, सहारा रेगिस्तान से लेकर बेलगा नदी तक, तो ये पश्चिम का सहारा, सहारा रेगिस्तान से लेकर और उत्तर में बेलगा नदी तक। फिर 1500 ईस्वी से पहले अल्बिर्नी को कुछ ही लोग पढ़ा था, मतलब अल्बिर्नी के बारे में 1500 ईस्वी से कुछ ही लोग जानते थे, बहुत लोग नहीं जानते थे। अब ये मतलब है क्या, मतलब 20वीं सदी में आप बात करें तो इस टाइम में क्या हुआ है कि सारे क्या बोलते हैं, मतलब पूरा किताब होता है छप हुआ है, तो हर कोई मतलब क्लास 2 में जब भी आएगा इसके बारे में देखेगा। इसके अलावा अल्बिर्नी से प्रश्न भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा हर एक कॉम्पिटेटिव का टीचर भी अल्बिर्नी के बारे में और इन बत्ता के बारे में पढ़ाता है। दो प्रश्न फेमस है कि अल्बिर्नी ने किताब कौन सी लिखी, तो किताब उल हिंद, कौन किताब लिखी जी, किताब उल हिंद, यही सबसे बड़ा प्रश्न आता है। और दूसरा प्रश्न यह आता है कि अल्बिर्नी कहाँ के रहने वाला थे, कहाँ रह रहे थे जी, ख्वारिज्म, कहाँ के थे, ख्वारिज्म के रहने वाले थे, कहाँ रह रहे थे, ख्वारिज्म के रहने वाले थे। दो प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। ऐसी पर पूछता है कि इम्बत्ता कौन सी किताब लिखी, रिहाला, कौन जी, रिहाला लिखे इम्बत्ता, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, और फिर वो कहाँ ग्रहण वाले थे, तो मरको। ये चार प्रश्न जो है ज्यादा आपको हाईलाइटेड है, ज्यादा एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो देखिए इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या था, किताबुल हिंद, क्या जी, किताबुल हिंद। अब अलग से प्रश्न ये पूछे जाते हैं ट्वेल्थ में बार बार कि किताबुल हिंद जो है ये किस भाषा में लिखे, अरबी भाषा में, किस भाषा में लिखे जी, अरबी भाषा में लिखे। अब ये किताबुल हिंद भाई साहब ये मतलब कैसी किताब है, तो एक विस्तृत ग्रंथ है, क्या जी, विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें धर्म के बारे में, ठीक है ना, त्योहार के बारे में, दर्शन के बारे में सरल और स्पष्ट है। सरल मतलब सबसे आसान है और एकदम स्पष्ट मतलब पूरा क्लियर है, जो आप पढ़ोगे एकदम क्लियर बुझा जाएगा, ठीक है। अब क्यों बुझा जाएगा ये देखिए, अब इसमें है क्या कि यह ग्रंथ जो है, मतलब किताबुल जो हिंद है, यह ग्रंथ खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, पूरा खगोल विज्ञान मतलब सूर्य चंद्रमा के बारे में, ठीक है ना, खगोल विज्ञान इसको बोलते हैं, पिंड के बारे में, फिर मूर्ति कला के, ठीक है ना, मूर्ति कला समझते ना, पूजा पाठ, और फिर क्या भार तौल मतलब मेजरमेंट, समझ रहे ना, खगोल विज्ञान मतलब सूर्य तारा चंद्रमा, ठीक है ना, ग्रह के बारे में, ठीक है ना, और मूर्ति कला मतलब पूजा पाठ, समझे, और फिर आपके क्या होते हैं भार तौल मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना, नाप जोक, ठीक है। इस सब के आधार पर ये जो किताब था वृत्तांत जो है 80 अध्यायों में बटा था, मतलब इसमें कितने चैप्टर थे, 80 चैप्टर थे। आपसे पूछा जाएगा किताब उल हिंद में कितने लेसन है, 80 लेसन। अभी 80 लेसन में कहानी क्या थी, मतलब कैसे इन्होंने सजाया था, इस सारे लोगों को समझ आया। तो प्रत्येक चैप्टर में स्टार्टिंग में आरंभ में एक प्रश्न पूछा जाता था, क्या पूछा था जी, प्रश्न, एक क्वेश्चन किया जाता था, ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता था। अब क्वेश्चन करने के बाद जस्ट उसके नीचे उसका आंसर दिया जाता था, क्या दादा जी, आंसर, क्वेश्चन हो गया भाई साहब, तो क्वेश्चन के बाद क्या रहेगा, आंसर, आंसर कहने के बाद यहाँ पर विवरण दिया जाता था, क्या दादाजी, विवरण दिया जाता, और वो विवरण जो है ना किसी साहित्य से लिया गया होता था, किसे जी, साहित्य के आधार पर विवरण मिलता था, और फिर उसके बाद अंत में उसकी तुलना भी की जाती थी, जो आंसर लिखा गया है उस आंसर का तुलना जो है दूसरे किताब से उसकी तुलना की जाती थी। तो पहले इसमें क्या, प्रत्येक चैप्टर में पहला बार एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनका आंसर देंगे, फिर उस आंसर का दूसरे आंसर से तुलना करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, क्वेश्चन किया, आंसर दिया, फिर अंत में आंसर का तुलना कर दिया, ठीक है ना, कंपेरिजन की। अब आगे पॉइंट है, अल्बिर्नी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण, अल्बिर्नी ने भारत में जाति व्यवस्था के विवरण में क्या बताया, ये जानते हैं। तो अल्बिर्नी ने लिखा कि प्राचीन फारस में चार सामाजिक वर्ग था, क्या था जी, चार सामाजिक वर्ग था, ठीक है ना, चार सामाजिक, क्या जी, वर्ग। ये चार सामाजिक वर्ग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए है क्या, मतलब इन्होंने एक बात कही कि अपवित्रता की मान्यता को ये स्वीकार किए, तो पूछा देगा अल्बिर्नी ने किसको स्वीकार किया, अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार किया। अब उसने लिखा कि हर वह वस्तु अपवित्र हो जाती है, हर वह वस्तु क्या था जी, अपवित्र हो जाती है जो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्रयास करती है और सफल हो जाती है। तो देखिए हर वह वस्तु क्या है जी, अपवित्र हो जाती है जो अपनी पवित्रता की स्थिति को प्रयास करने के लिए, मूल स्थिति को प्रयास करने के लिए, मतलब प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, अपवित्र है, इनका कहना है। तो आपसे ये लाइन उठा लेगा, बोलेगा कि पूछेगा क्या लिखा है, पूछेगा कि हर वह वस्तु अपवित्र हो जाती है, इतना ही माइंड में खटकेगा भाई सब,
हर वो वस्तु अपवित्र जाती है जो अपने पवित्रता की स्थिति को मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या दीजिए आप सब प्रयास करती है या सफल भी हो जाती है। तो ये कहानी जो है ये कथन कौन लिखे है तो अल्बिनी ने लिखा। ऐसे पॉइंट आपको आएगा। अब देखिए अब इन्होंने और क्या लिखा कि सूर्य जो है हवा को स्वच्छ करता है। सूर्य क्या करता जी हवा को स्वच्छ करता है। बात सही भी है ठीक है ना। सूर्य क्या करता है हवा को स्वच्छ मतलब जो सनलाइट पड़ती है ना तो हवा में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। फिर समुद्र में जो नमक है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। ये भी बात सही है कि समुद्र में जो नमक है वो पानी गंदा क्या जी बचाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई साहब पृथ्वी पर जीवन क्या होगा जी असंभव होगा क्योंकि मतलब आपके वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे अगर सूर्य की लाइट नहीं आएगी तो। और दूसरी बात समुद्र में अगर नमक नहीं रहेगा तो पानी क्या और ज्यादा गंदा होते जाएगा पूरा पॉल्यूशन आपका होते जाएगा और वो पॉल्यूशन सामने को गैस से निकलेगी और गैसों से मृत्यु तक हो जाएगी। तो बोली कोई दिक्कत है